तो वेलकम है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेमेस्टर वन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सिलेबस देखा जाए और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो ये आपका वैल्यू एडेड कोर्स है, ठीक है, जो कि दो में से एक है, आपका एनवायरमेंटल साइंस भी एक, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ठीक है, इसमें भी आपका 50 मार्क्स का होगा, 2 क्रेडिट का है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका सिलेबस है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, और यहाँ पे बोला गया है सेमेस्टर वन अंडरस्टैंडिंग इंडिया 2 क्रेडिट का है, फुल मार्क्स 50 है। ठीक है, कोर्स ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि इससे पढ़ के आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, कि यानी कि भारत के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, और लर्निंग आउटकम क्या क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ बताए गए हैं। सिलेबस देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो पहले हम लोग इंग्लिश में देखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद इंग्लिश में के बाद हिंदी में आएंगे। ठीक है, चलिए टाइमिंग कितना मिलेगा। तो देखिए, टाइमिंग जो है आपको यहाँ पे, अगर सब्जेक्टिव होगा तो 2 घंटा, ऑब्जेक्टिव हुआ तो मालूम नहीं 1.5 घंटा मिल सकता है, क्योंकि आजकल 1.5 घंटा कर दिया है ना। तो यहाँ पे 1.5 घंटा मान के चलिए कि टाइमिंग आपको 90 मिनट मिलेगा। ठीक है, 50 मार्क्स का, जैसा कि AC पेपर में आया था, AC हिंदी में और AC इंग्लिश में, वैसा इसमें भी होगा। ठीक है, 1.5 घंटा मान के चलिए। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा या सब्जेक्टिव, इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। हमारा यहाँ पे पहला टॉपिक पढ़ना है इंडिया, ठीक है, इसका फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। ठीक है, देन हमको पढ़ना है यहाँ पे पॉलिसीज ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, भारत के जो विकास है, ठीक है, इसकी जितनी भी नीतियाँ हैं ये जानना है आपको, भारत की राष्ट्रीय विकास नीतियों के बारे में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो आपको तीसरा पढ़ना है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रोल ऑफ सिटीजन। ठीक है, यानी कि भारत के संविधान को समझना है, जानना है इसके बारे में, और यहाँ के नागरिकों को। ठीक है, भारतीय संविधान और यहाँ के नागरिकों की जानकारी लेनी है इसमें, यूनिट थ्री में। यूनिट फोर में आपको पढ़ना है यहाँ पे इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड एजुकेशन सिस्टम, भारत ज्ञान पद्धति और शिक्षा पद्धति के बारे में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा हिंदी में क्या क्या है, हिंदी में आसानी से समझ में आएगा ना, क्योंकि यह हमारी अपनी भाषा है। अंग्रेजी तो हम लोगों के पल्ले पढ़ा दिया गया अंग्रेजों ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, चलिए तो इसमें हमारा गांधीवादी जन आंदोलन के बारे में जानना है। ठीक है, इसमें आपको जानना है विशेष रूप से असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 22 तक चला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में चला था। ठीक है, देन आपको भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था, इसके बारे में जानना है। ठीक है, फिर आपको क्रांतिकारी आंदोलन भगत सिंह के बारे में जानना है। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन भगत सिंह। देन आपको यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज, जब भी आएगा बात तो आज़ाद हिंद फौज याद आता है। ठीक है, इतना चीज़। फिर हमारा यूनिट टू है, यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा भारत में राष्ट्रीय विकास नीति के बारे में। अरे भाई, कितना मच्छर काटता है, पंखा चालू कर लें, थोड़ा सा साउंड ख़राब आएगा आपका। ठीक है, बहुत मच्छर काट रहा है। चलिए, तो भारत में राष्ट्रीय विकास नीतियों के बारे में जानना है। इसमें आपको जानना है भारत में योजना अवधि के दौरान आर्थिक योजना और नीतियों के लक्ष्य और उपलब्धि। एक मिनट, चलिए अभी मच्छर काट दिया तो मलेरिया हो जाएगा यार, फिर इंजेक्शन लेना पड़ेगा, 500-600 खर्चा हो जाएगा ना। चलिए, इतना नहीं सोचना है। देखिए, तो हमें पढ़ना है भारत में राष्ट्रीय विकास की नीतियों के बारे में। इसमें आपको जानना है भारत में योजना अवधि के दौरान आर्थिक योजना, ठीक है, नीतियों के बारे में और नीतियों के लक्ष्य उपलब्धि के बारे में। इसमें आपको जानना है योजना आयोग कब हुआ, प्लानिंग कमीशन, जो पहले पंचवर्षीय योजना चलता था, ठीक है, इसके बारे में जानना है। फिर आपको जानना है नई आर्थिक नीति, जो कि 1991 में आया, इसमें भारत में मुक्त व्यापार को अपनाया गया, गेट का नाम सुने, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड, ये आपका गेट के बारे में जानना है। इसमें आपको WTO आएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इन सबको जानना पड़ेगा। फिर आपको जानना है भारत में गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन का कार्यक्रम। ठीक है, भारत में गरीबी को कैसे समाप्त किया जाए और रोजगार सृजन कैसे किया जाए, कैसे नए लोगों को रोजगार दिया जाए। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है अभी हम लोग बस यही जानते हैं। ठीक है, क्योंकि जानेंगे तब ना भाई पढ़ेंगे, पहले वही जानना है ना कि भाई रास्ता किस रास्ते में चलना है हमको, उसके बाद ना समझेंगे क्वेश्चन क्या आएगा। ठीक है,
अगला है हमारा भारतीय संविधान के बारे में जानना है और यहाँ के नागरिकों की भूमिका क्या है। ठीक है, संविधान और नागरिकों की भूमिका को समझना, इसमें हमारा है सबसे पहले प्रस्तावना। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना को आपको याद होगा, उसको प्रस्तावना बोलते हैं, जिसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न संप्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष, मुझे याद नहीं है उतना, ठीक है, गणराज्य बनाते हैं और वैसा पूरा लिखा हुआ रहता है। ठीक है, वही हमारा प्रस्तावना है। प्रस्तावना के बारे में जानना है, किसने बनाया प्रस्तावना, कितना लिखा गया है, कौन कौन से वर्ड हैं। फिर संवैधानिक मूल्य के बारे में जानना है, जिसमें संप्रभुता आता है, समाजवाद आता है, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, मानवीय गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपको जानने हैं। ठीक है, जनरली इसमें आपको परिभाषा जान लेना, जैसे स्वतंत्रता क्या है, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता क्या है। फिर आपको जानना है मौलिक अधिकारों के बारे में और मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक अधिकार अगर बात किया जाए तो हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। पहले 7 हुआ करता था। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, ठीक है, बैलेंस में संविधान या संशोधन, ठीक है, संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया, अभी 6 हैं। और ये मौलिक अधिकार हमारा अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, अमेरिकन से। देन आता है हमारा मौलिक कर्तव्य, और ये मौलिक कर्तव्यों की संख्या हमारी कितनी है, पहले 10 हुआ करता था, 2002 से के बाद अभी 11 हो गए हैं, पहले 10 अभी 11, ठीक है। और ये लिया गया है USSR, मतलब समझे, रसिया बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आजकल बहुत शॉर्ट्स वगैरह में वायरल हो रहा है, चलिए जो भी है, थोड़ा सा मैं हंसी मजाक के तौर पे ये सब बोलता हूँ, वैसा मेरा कोई इरादा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। आगे देख लेते हैं, तो फिर आता है हमारा, हमारे लोकतांत्रिक समाज को मजबूत और जीवंत बनाने में नागरिकों की क्या भूमिका है। तो हमारे लोकतंत्र समाज में मजबूत बनाने में देखिए नागरिकों की क्या क्या भूमिका है। भारत के नागरिक वोट देते हैं, यह एक सबसे बड़ी भूमिका है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी है यूनिट 3 में। अब आता है हमारा यूनिट 4, इसमें आपको क्या जानना है। तो इसमें आपको जानना है भारतीय ज्ञान प्रणाली और शिक्षा के बारे में, ठीक है, यानी कि भारत में शिक्षा पद्धति कैसी थी पहले प्राचीन काल में, भारतीय ज्ञान प्रणाली अवधारणा और अनुप्रयोग। प्राचीन काल में लोग पेड़ के नीचे में बैठ के पढ़ा करते थे, मुखस्थी, ठीक है, कंठस्थ हुआ करते थे, ब्रह्मचर्य जीवन जीते थे 21 साल तक, आप लोग जीते हैं। चलिए, जो भी है मतलब अपना लिमिट में रह के कीजिएगा कोई भी काम, ठीक है, अपने मर्यादा को समझिएगा, तभी मैं आपको एक मैच्योर इंसान समझूंगा। चलिए, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है भारतीय शिक्षा प्रणाली की विशेषता क्या है, समस्या क्या है, हमारी शिक्षा प्रणाली में समस्या क्या है और विशेषता क्या है, ठीक है। और इसके बाद जाना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो अभी आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको जानना है कि नई शिक्षा नीति को कब लागू किया गया, सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ, ठीक है, इसमें किन किन बातों को ध्यान रखा गया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। अब देखिए, ये कुछ बुक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, अगर आप ये बुक्स तो पढ़िएगा नहीं ना, ना पढ़ें, अगर आप में से कोई ये बुक्स पढ़ लिए तो बहुत अच्छा, ठीक है। और इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं जल्द ही आप लोग के लिए लाऊँगा, 1 से 2 दिन के अंदर। और बाकी कल जिनका भी एग्ज़ाम है, मेरी ओर से ऑल द बेस्ट है, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी कल आपका जो एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव आएगा या सब्जेक्टिव, वो डिपेंड करेगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया का भी। वही अगर कल EBS के एग्ज़ाम में, ठीक है, EBS के पेपर में कल अगर आपका सब्जेक्टिव आता है 50 मार्क्स का, ठीक है, दैट मीन्स कि आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया में भी 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव ही आएगा, ठीक है। अगर कल आपका एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव आता है EBS पेपर में, तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया भी ऑब्जेक्टिव आएगा। अब कितना कितना परसेंट है सब्जेक्टिव आने का, ऑब्जेक्टिव आने का, देखिए EBS का अगर बात किया जाए तो आपका 80% संभावना है कि सब्जेक्टिव पेपर आए, ठीक है, लिखने वाला पेपर, और 20% संभावना है कि ऑब्जेक्टिव पेपर आए। तो मैं यही कहूँगा कि मैंने जो EBS का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कम से कम घर में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इतना कर लीजिएगा। और बहुत से लोग पूछते हैं कि कितना मार्क्स का कितना में आंसर करें, तो जनरली 10 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर आपको 2 खड़ा पन्ना में करना है, 15 मार्क्स का मतलब इतना में कर पाइएगा तो बहुत अच्छा, ठीक है, 10 मार्क्स का 2 खड़ा पन्ना नहीं, 3 पेज, मतलब कि 1 खड़ा पन्ना का दोनों साइड, 1 खड़ा पन्ना का दोनों साइड और 3रे खड़ा पन्ना का एक साइड, 1 खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, ठीक है, 1 खड़ा पन्ना में 2 पेज, तो 10 मार्क्स का आपको आंसर करना है 3 पेज में,
15 मार्क्स का आ जाए तो दो खड़ा पन्ना यानी कि चार पेज में, ठीक है 15 मार्क्स का। और 20 मार्क्स का आ जाए तो दोस्तों आपको पाँच पेज में करना है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ इग्नू के हिसाब से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के हिसाब से, जो कि भारत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, सबसे बच्चे पढ़ाई करते हैं सबसे ज़्यादा, और सबसे ए ग्रेड प्लस प्लस पे मिलता है नेक, ठीक है। नेक मतलब समझते हैं, थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए क्योंकि आप लोग यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, ठीक है। नेक जो है आपका NIF रैंकिंग होता है प्रत्येक यूनिवर्सिटीज़ का, ठीक है। भारत में NIRF रैंकिंग होता है, ठीक है। NIRF ये एक रैंकिंग निकाला जाता है ये इसके द्वारा, और प्रत्येक यूनिवर्सिटी को ए प्लस दिया जाता है, बी प्लस दिया जाता है, ठीक है। ए डबल प्लस सबसे अच्छा होता है, बी प्लस होता है, सी प्लस होता है, ठीक है। तो सी बहुत ख़राब यूनिवर्सिटी है, बी भी ख़राब है, बी प्लस है तो अच्छा है, ठीक ठाक है, ए है तो और अच्छा है, ठीक है, ए प्लस है तो और अच्छा, ए डबल प्लस है दैट मीन्स कि मतलब टॉप यूनिवर्सिटीज़ में वो है, और आपका जो इग्नू है वो आपका ए प्लस प्लस है, ठीक है। बाकी बी बी एम सॉरी आपका ये एस के एम यू की बात किया जाए तो आपका ये बी प्लस में आता है, ठीक है। और ये एन आर एफ रैंकिंग में भाग भी नहीं लेता है, इतना डर है इसका, खौफ है। चलिए जो भी है, झारखंड में आपके एन आई एफ रैंकिंग में एक रांची यूनिवर्सिटी भाग लेता है, एक डी एस पी एम यू भाग लेता है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची में है डी एस पी एम यू, एक झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी भाग लेता है सी यू जे, ठीक है सी यू जे। उसके बाद आई आई टी धनबाद हो गया, एन आई टी जमशेदपुर हो गया, ठीक है, एन आई टी सिंदरी हो गया, ये सभी भाग लेते हैं, एन एम आई टी हटिया है, ये सभी भाग लेते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग को सोच रहे होंगे यार क्या क्या बोल रहा है ये, बड़बड़ा रहा है, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, हमारे साथ रहिएगा। और एक चीज़ आप लोग को एक वैकेंसी अपडेट देना है, चलिए मेरे साथ में इतना देर तक वीडियो में रहें तो आपको एक वैकेंसी का अपडेट बता देता हूँ, और ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दुमका के साइड में आता है, ठीक है, और आप लोग इसमें योग्य हैं। बोला गया है वॉक इन इंटरव्यू है, इंटरव्यू होगा इसमें डायरेक्टली, कहाँ पे होगा तो दुमका में होगा, और ये रिम्स रांची की ओर से निकाला गया है, रिम्स हॉस्पिटल रांची की ओर से, ठीक है। दुमका में आपका इंटरव्यू होगा, 12th पास कैंडिडेट चाहिए इनको, ठीक है। देखिए ये वेन्यू देख लीजिए सबसे पहले, और मैं बता देता हूँ 12th पास अगर आप में से कोई हैं तो यहाँ पर आपका डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट भर्ती होगा, ठीक है। ये कहाँ पर होगा तो अगर आप में से कोई दुमका के इस एरिया के हैं तो वो आप इसमें भाग ले लीजिएगा, ठीक है। ये आपका सनमत कल्याण हॉस्पिटल, सनमत कल्याण हॉस्पिटल, ठीक है, क्या है आपका कटिकुंड दुमका झारखंड, यहीं पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। कब होगा, 8 जुलाई को होगा, 8 जुलाई 2024 टाइमिंग 12 बजे इंटरव्यू होगा, और यहाँ पे सैलरी आपको 16,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर रखा गया है, और ये आपका पोस्ट का नाम है प्रोजेक्ट असिस्टेंट का, ठीक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के तरह आपका काम होगा, यहाँ पे रिम्स के अंडर में काम कीजिएगा, रिम्स हॉस्पिटल रांची के। यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांग गया है एसेंशियल हाई स्कूल और इक्विवेलेंट विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, ठीक है। तो अगर आप में से कोई हाई स्कूल पढ़े हैं और आपके पास क्वालिफिकेशन है उस टाइप का तो आप लोग चले जाइएगा, ग्रेजुएशन रहेगा तो बहुत अच्छा मांगा है, लेकिन 12th पास हैं और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है आपका किसी भी फील्ड में तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। बाकी मैं ये सब वैकेंसीज का अपडेट देता रहता हूँ अपने सागर साहब वाले चैनल पे, ठीक है। उस चैनल का नाम ही मैं अपने खुद के नाम पे रखा हूँ, सागर साहब के नाम से, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। चलिए इसमें वैकेंसी नहीं देने का है फिर भी मैं दिया बता दिया क्योंकि आप लोग जो है दुमका से रिलेटेड हैं, ठीक है। और प्रेफर उनको किया जाएगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा कि जो यहाँ के अस्थाई निवासी हैं, ठीक है, यानी कि ये आपका कटिकुंड के अगर स्थायी निवासी हैं आप तो आपको पहले प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। अपना सभी डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाइएगा, बाकी डिटेल में जानकारी के लिए यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा का पूरा पीडीएफ सब का एक साथ मर्ज करके मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डाउनलोड कर लीजिएगा।